आरी वर्क करते समय मार्किंग, ड्राइंग और छपाई बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि इनसे जो दाग अगर लग जाता है तो आसानी से जाता नहीं है। ट्रेसिंग पाउडर से छपाई जो करते हैं तो उसका तो दाग चला जाता है किरोसिन तेल की मदद से, लेकिन ये जो पेंसिल से मार्किंग करते हैं या फिर डिज़ाइन बनाते हैं उसका आसानी से नहीं जाता है, इसलिए ध्यान से करें। मैंने इस वीडियो में एक सिंपल तरीका बताया है, इससे आपका पेंसिल का भी दाग 80% तक चला जाएगा। आज से 10 साल पहले तक आरी वर्क का जितना भी काम होता था सब छपाई करके ही ट्रेसिंग पाउडर से होता था, लेकिन जब से सिल्क साड़ी का ब्लाउज बनना ट्रेंडिंग में आया है तब से आसानी के लिए पेंसिल का यूज़ होने लगा है। और ये सही भी है कि बार बार खाका बनाना नहीं पड़ता है और आदमी को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान से करें। मेरे एक व्यूवर्स ने कमेंट्स में पूछा था कि एक्स्ट्रा मार्किंग कैसे इरेज करें, तो एक्स्ट्रा मार्किंग मार्किंग तो आप पे या तो चौक मिट्टी से लगाते हैं जो टेलर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम टेलर के यहाँ से काम लेके आ रहे हैं या फिर अपने यहाँ ही वर्क बना रहे हैं तो बहुत सारे कस्टमर का कोई पर्सनल टेलर होता है तो वहाँ से लोग मार्किंग करा के लेके आते हैं, तो चॉक से या पेंसिल से अगर एक्स्ट्रा मार्किंग लग जाए तो इसके मिटाने का सबसे आसान तरीका है ये नॉर्मल इरेजर, जो बच्चे लोग के स्कूल्स में यूज़ होता है। इससे आपको रब करना है जहाँ जहाँ आपका एक्स्ट्रा मार्किंग लगा हुआ है, या फिर आपने ड्राइंग किया है, डिज़ाइन बनाया है, उसमें कोई एक्स्ट्रा हो गया है या लाइन्स मोटी हो गई है, सिंपली इरेज करें, देखिए ये चला गया। हाँ, लेकिन ये 100% तक नहीं जाएगा, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत सावधानी से मार्किंग लगाने टाइम में करें, 80% तक चला जाएगा जो आपके काम के लिए काफ़ी है। हाँ, इरेजर साफ़ होना चाहिए, कभी इस तरह साफ़ करते करते यहाँ पे काला हो जाता है तो उसको आप पे चाकू की मदद से छील लें वहाँ पे, यानी वो काला पोर्शन इरेजर पे जो आ जाता है वो निकाल दें छील करके। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा छील लिया है। अगर आप डिज़ाइन बनाने से पहले पेंसिल का नोक बारीक कर लेंगे तो आपका ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट आएगा और वो वर्क से छुप भी जाएगा, और अगर आपने जाड़ा किया तो वो वर्क से फिर छुपेगा नहीं, फिर वो दिखता है। ट्रेसिंग पाउडर से छाप करके सिलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप किरोसिन तेल से एक साफ़ कपड़ा लें, किरोसिन तेल में भिगोएं और उससे आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, वरना उस कपड़े का दाग आपके पीस पर लग जाएगा। ऐसे तो आप पे किरोसिन तेल की जगह आप पानी से भी साफ़ करेंगे ना तो सफ़ेदा ट्रेसिंग पाउडर का दाग चला जाएगा, लेकिन आप ऐसा कभी गलती से करना नहीं, क्योंकि उससे फिर पानी का दाग जो है ना वो पीस पर आ जाएगा, धब्बा धब्बा लगेगा। तो हमेशा कभी भी ट्रेसिंग पाउडर का अगर आपको साफ़ करना रहे, छपाई का दाग धब्बा लग जाता है, तो हमेशा आप पे किरोसिन तेल घासलेट की मदद से करें। ओके गैस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।